Assalamualaikum viewers, welcome to Brass Techs. I'm your host Maryam Chaudhry, और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हमारे डिफेंस एनालिस्ट जाहिद हामिद साहब. जाहिद साहब ने पिछले तीन एपिसोड्स किए थे ग्लोबल इकोनॉमिक टेररिज्म पे, एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट इन द सीरीज. वी वुड लाइक टू कंटिन्यू ऑन द सेम टॉपिक. जाहिद साहब, प्लीज डू टेल अस. देखिए मरियम, हमने पिछले तीन प्रोग्राम जहाँ कंक्लूड किए थे वो इस मकाम पर थे कि जब ये गोल्ड इकोनॉमी कन्वर्ट होती है पेपर इकोनॉमी में, पेपर इकोनॉमी कन्वर्ट होती है चेक्स में, चेक्स कन्वर्ट होते हैं क्रेडिट कार्ड्स में, क्रेडिट कार्ड जाते हैं डेबिट कार्ड्स की तरफ, इससे आगे ये किस तरफ जा रहे हैं आज हम आपको इनका ये नापाक चेहरा भी दिखाएंगे. लेकिन इससे पहले हम कुछ बातें आपको बताना चाहेंगे. देखिए, हम जो आपको इस ज़ायनिस्ट, इस दज्जाल के, इस कुफर के, इस मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम की ये शक्ल दिखा रहे हैं वो इतनी खौफनाक है कि नेचुरल रिस्पॉन्स इंसान का यह है कि इंसान दहशत और खौफ में मुब्तला हो जाता है. लेकिन हम आपको पूरी तरह यकीन दिलाना चाहते हैं कि अल्लाह के फजल से ये जो देखने में ये इतने मजबूत लगते हैं है नहीं, और इनमें बड़ी मेजर वीकनेसेस हैं. अगर ये इतने ताकतवर होते तो आज दुनिया को हड़प कर चुके होते. बहुत से इवेंट्स हैं जो उनके इख्तियार में नहीं है, ये अपनी चालें चल रहे हैं और अल्लाह अपनी चालें चल रहा है. अल्लाह खैरुल माकिरीन, जो अल्लाह कहता है कि ही इज द बेस्ट ऑफ द प्लानर, हर चीज इनके कंट्रोल में नहीं है. एक दफा इन्होंने जो इतने बड़े इकोनॉमिक सिस्टम को क्रिएट कर दिया है तो एक ऐसा भूत और एक ऐसा मॉन्स्टर बन गया जो इनके खुद कंट्रोल में नहीं है, आप इसे बाहर निकलती जा रही है. अल्लामा इकबाल ने जो कहा था कि ये तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी, तो ये वक्त हम बड़े नजदीक इंशाल्लाह अपने आप को देखने जा रहे हैं. इससे पहले ये दुनिया में बड़ी तबाही मचाएंगे, वो ठीक है, वो नजर आ रहा है मामला. लेकिन ये सिस्टम ऐसा नहीं है जो अपने आप को सस्टेन कर सके और रहे. हम पिछली दफा डिजिटल इकोनॉमी पर आ गए थे, हम यहां पहुंचे थे कि अब इन्होंने निजाम में किस तरह का, अभी सिर्फ अमरीका की मिसाल अगर हम बात करें, उन्होंने निजाम एक इस तरह का मुतय्यन कर दिया है कि अमेरिकन सोसाइटी इज नाउ डिजिटल इकॉनमी, वहां पे हर शख्स मकरूज है. इन लोगों ने पेपर छापना बंद कर दिया है. फॉर एवरी ट्रिलियन डॉलर ऑफ प्रिंटेड बैंक नोट्स ऑलमोस्ट 15 ट्रिलियन डॉलर इज इन द इलेक्ट्रॉनिक करेंसी. रियल मनी है ही नहीं वहां. अब वो लोगों से कहते हैं कि आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल कीजिए, इसका मतलब यह है कि बड़ा आपकी दुकान पर जाएं, खरीदारी करें, शॉपिंग करें, अपने डेबिट कार्ड में बड़ा रास्ता आपके बैंक से पैसे निकाल ली जाएंगे. आपको क्या जरूरत है पैसे इस्तेमाल करने की? तनख्वाहें आपके अकाउंट में आएंगे, डेबिट कार्ड से कटती रहेंगी, करेंसी की जरूरत क्या? इससे आगे ये एक शैतानी खेल की तरफ जा रहे हैं. अब आज हम आपको उसकी ऐसी खौफनाक तस्वीर, लिटरली फॉर अ सेकंड इंसान पर वाकई खौफदारी होता है कि करने क्या जा रहे हैं. देखिए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का एक बहुत बड़ा नुकसान क्या है, ये दुनिया में इंसान किसी भी जगह डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जब इस्तेमाल करता है तो उस ट्रांजैक्शन को उनके कंप्यूटर लॉग करते हैं, मालूम होती है कि ये इस जगह पे शख्स ने ये ट्रांजैक्शन की है. आप सिंगापुर में बैंक, आप बैंक से पैसे ड्रॉ करें, या सिंगापुर में या मलेशिया में या फारिस में किसी जगह जाके जापान में आप होटल में चेक इन करें, या किसी कॉफी शॉप में कॉफी पिए, या न्यूयॉर्क में आने के बाद आप कोई कपड़े खरीदें, या आप कोई एयरलाइन टिकट साइप्रस से और टर्की का बुक करें, वट एवर यू डू, क्रेडिट कार्ड से जब आपके डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो ये हर इंसान की एक एक जिंदगी की मूवमेंट पर निगाह रखे हुए हैं. दे आर लॉगिंग योर एवरी मूवमेंट. जहां जहां आप दुनिया में ट्रेवल कर रहे हैं हर इंसान पर निगाह रखना इनके लिए आसान हो जाता है. आपको याद होगा कि अमेरिकन डॉलर पर इन्होंने एक आंख बनाई हुई है जिसका हमने पिछले प्रोग्रामों में जिक्र किया था. ये आई ऑफ द लूसिफर, ऑल सीइंग आई कहलाती है, एक ऐसी आंख जो पूरी दुनिया पर निगाह रखे हुए है. ऐसी आंख जैद साहब न्यूयॉर्क के अंदर सबवे स्टेशन पर भी पाई जाती है, और काफी लोकेशन है अमेरिका में जहां आपको ये निशान नजर आएगा. वो ये रिमाइंड कराते हैं इंसानों को, हर लोगों को याद कराते फिर रहे हैं कि हम तुम्हें हर जगह से देख रहे हैं, हम तुम्हें हर जगह मॉनिटर कर रहे हैं. इनका जो अल्टीमेट गोल है, ये जो ये खुद अपने ज़ायनिस्ट अपने मुंह से कह चुके हैं कि हम दुनिया में एक ग्लोबल एम्पायर, एक ग्लोबल गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं जहां दुनिया का हर इंसान हमारा गुलाम होगा, हर इंसान की हर मूवमेंट हम ट्रैक करेंगे, दुनिया का कोई इंसान इस सिस्टम से बाहर निकल के ऑपरेट नहीं कर सकता. ये सारा सिस्टम इन्होंने अचीव कर लिया है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से. ना सिर्फ ये कि मकरूज किया कौन को, एट द सेम टाइम ये इंटेलिजेंस के लिए, इनकी एक इतना बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी खुद बखुद इन्होंने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए क्रिएट कर ली है कि दुनिया में इंसान किसी भी जगह पर होगा ये उसको ट्रैक कर सकते हैं. दे नो एग्जैक्टली व्हाट ही इज डूइंग, इसने कहां कोई ट्रांजेक्शन की है, क्या क्या ट्रांजेक्शन की है, आपकी जिंदगी का कोई पहलू खुफिया नहीं होता. अब ये एक स्टेप आगे जा रहे हैं. अमेरिका में
इन्होंने कहा जब डेबिट कार्ड की बात आ गई, दे हैव मूव्ड ऑन टू आरएफआईडी चिप्स, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं। अब आइडियाज इन्होंने ये फ्लोट किया है कि आपको डेबिट कार्ड कैरी करने की जरूरत नहीं है, हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपके जिस्म में दाखिल कर देंगे, यानी आपके हाथों में या आपके जिस्म में इंजेक्शन के जरिए वो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स दाखिल कर दी जाएंगी। वो चिप्स आपकी ड्राइविंग लाइसेंस भी होंगी, आपका शनाख्ती कार्ड भी होंगी, आपका बैंक अकाउंट भी होंगे। मतलब क्या ये वॉलंटरी इंसर्शन होगी? क्या उन लोगों को मालूम होगा कि हमारे अंदर ऐसा चिप इंसर्ट किया जा रहा है? इन्होंने मीडिया के जरिए एक कैंपेन बिल्ड किया अब यहां पर कि अमेरिकन, देखिए हमने पहले बताया था कि दुनिया की सबसे अहमक कौन अमेरिकन है, उनको जो चाहे दे दें वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो मीडिया उनको प्रेजेंट करता है वो उसको इस तरह एक्सेप्ट करते हैं कि जिस तरीके से अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म आया हुआ। अमेरिकन अब खुद वॉलंटियर कर रहे हैं कि आरएफआईडी चिप्स को अपने जिस्म में दाखिल करें। अब होगा क्या? बेसिकली वट दे सेइंग इज कि आप अपने अंदर चिप्स डाल लीजिए, दुनिया में आप कहीं भी, खासतौर पर अमेरिका में आप कहीं भी ट्रैवल करेंगे, आप कोई शॉपिंग करते हैं, टिकट खरीदते हैं, कोई अपने होटल में चेक इन करते हैं, तो आपको कोई कैश कोई कार्ड कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, आपके ऊपर से सिर्फ वो टैप करके वो अपने डिजिट टोपी रीडिंग और अपनी मीटर रीडिंग आपकी ले लेगा वो, एंड यू विल बी फ्री। आपको कोई ना कैश कैरी करना है ना क्रेडिट कार्ड। दैट इज ट्रू फ्रीडम। एक्चुअल मार्केटिंग इस तरह की जा रही है, एक्चुअल मार्केटिंग ये की जा रही है कि आप दुनिया में कहीं भी होंगे, आपकी सिक्योरिटी के लिए हम आपको ट्रैक करेंगे। यानी व्हाट दे आर सेइंग इज, चूंकि टेररिज्म और दहशतगर्दी आपकी बेहतरी के लिए कि आप हमारे गुलाम बन जाए। एंड अमेरिकन आर बाइंग दिस। इन्होंने जो क्रिमिनल्स हैं उनमें तो ये सिस्टम डालना शुरू कर दिया है, इनवॉलंटरी की मर्जी के बगैर, ये कहकर कि इनको खुफिया खतरनाक लोग हैं, टेररिस्ट हैं, टैगिंग की जा रही है, जैसे कुत्ते को डॉग टैग्स दिए जाते हैं, अब इंसानों को ये टैग्स दे रहे हैं। नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज कि अब जिस इंसान को इन्होंने पकड़ना है अपने इस अमेरिकन सिस्टम में, सिर्फ ये करेंगे कि उसकी चिप ऑफ कर देंगे इलेक्ट्रॉनिकली। सो व्हाट विल हैपन इज, ना वो शख्स ड्राइविंग लाइसेंस उसका काम करेगा, ना बैंक अकाउंट होंगे उसके पास, ना वो कहीं ट्रैवल कर सकेगा, ना चेक इन कर सकेगा। और इन्होंने जगह जगह शहर में, जैसे आपने आंखों की बात की ना, वैसे जगह जगह ये सेंसर्स लगा रहे हैं कि एक इंसान जब उस एरिया से, रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से गुजरेगा, तो खुद ब खुद उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती रहेगी कि ये शख्स जिसमें टैग लगा हुआ है ये यहां से गुजर के गया है, और जिस शख्स का टैग ऑफ होगा उसको वही रोक लेंगे। यानी पूरा शहर जेलखाना बन जाएगा, कोई इंसान मूव नहीं कर सकता। ये हाइपोथेटिकल सिनेरियोस, कहानियां नहीं बता रहे हैं हम आपको। इन्होंने रियल इंसानों में टैग्स डालने शुरू कर दिए हैं अमेरिका में, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी, इन द नेम ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, इन द नेम के साथ आप आजाद हो जाएंगे, आपको आसानी है, आपको सहूलत है। देखिए इन्होंने सारे फ्रॉड इसी तरह शुरू किए थे। क्या सोना क्यों उठा के फिरते हो? तुम्हारी जान आजाद में होती, कोई लूट के ले जाता है, डाकू भी इनके अपने होते थे। लिहाजा सोना हमारे पास जमा करा दीजिए और हमसे कागज की रसीदें ले लें। कुछ अरसों बाद रसीदें भी छापनी बंद कर दी, कहा क्या तकलीफ कर दो, चेकबुक ले जाओ, सारे काम इसी पे हो जाएंगे। इसी तरह उन्होंने कहा कि कितनी जिंदगी आसान है कि सारे काम क्रेडिट कार्ड से तुम कर लो, ना तुम्हें कैश लेके जाना पड़े। नाउ सेम थीम दे आर सेलिंग टू द पीपल के साथ, आप आरएफआईडी चिप्स अपने वजूद में डाल लीजिए और आप इसके बाद आजाद हो जाएंगे। ये एक्सपेरिमेंटेशन ये अमेरिकन कौन के साथ कर रहे हैं? अभी दुनिया में इन्होंने नहीं शुरू किया ये। इसकी एडिशनल जो इस्तेमाल वो ये कर रहे हैं कि ये चिप्स सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम से भी ट्रैक हो सकेंगे। यानी दुनिया में वो शख्स किसी जगह जाएगा, ये उसको ट्रैक कर रहे होंगे। कैन यू इमेजिन कि कायनात में इससे बड़ी गुलामी का कोई प्लान तैयार किया गया? देखिए हम जिस दौर में रह रहे हैं, इस दौर के बारे में जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहदीस मुबारका में बयान किया था, तो उसको बाबुल फितन में लिखा जाता है, यानी फितनों का बाब, चैप्टर ऑफ फितनास। यानी अहदीस की किताबों में भी इस दौर को इस तरह जिक्र किया जाता है। हजूर ने जो निशानियां बताई हैं इस दौर की, फितने हमारे घरों में इस तरह दाखिल हो रहे होंगे जैसे बारिश के कतरे घुस रहे होते हैं। ये इतनी अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है, इतना अनप्रेसिडेंटेड निजाम है कि जिस अब समझ में आती है बात हमको कि क्यों तमाम नबियों ने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितनों से डराया था। जैद साहब, आपने बस के कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया है, स्पेशली इसको साइंस फिक्शन मूवीज में हमने मेंशन देखा है, लेकिन ये नहीं सुना था कि एक्चुअली रियलिटी में भी ऐसा होने लगा है। लेकिन इस टॉपिक में हम जारी रखेंगे। बिफोर दैट वी हैव टू कट टू अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।